नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके की टॉप 211 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके आती है, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे जेई, या कोई फोर्स का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, किसी स्टेट में कोई एग्जाम है, पुलिस, सीटी, पीटी, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। पीडीएफ के लिए आप गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासन काल में आया था। टॉप क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निकोलो कांटी नामक जो यात्री है ये किसके शासन काल में आया, देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, देवराय प्रथम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है, ताबड़तोड़ रिवीजन, रैपिड फायर टेस्ट। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था दोस्तों किसने, बाबर ने किया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बाबर। नेक्स्ट, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है। तो शतरंज से है दोस्तों विश्वनाथ आनंद का संबंध, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शतरंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया किसने, मीर बक्की ने करवाया था दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की ने करवाया था। नेक्स्ट, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन है, प्रथम महिला फिजिशियन कौन है। तो दोस्तों आनंदी बाई गोपाल राव जोशी प्रथम महिला फिजिशियन है, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। नेक्स्ट है, मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक दो बार हुआ। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है ना, औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था दो बार, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मोहम्मद शाह था दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, हिंदू धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है। तो आर्यों को माना जाता है हिंदू धर्म का संस्थापक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्य। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो 545 है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 545। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब शुरू किया गया। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। तो 9 मई 2015 को शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1991 में हुई थी दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1991। नेक्स्ट, 1998 के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था। ऑपरेशन शक्ति नाम था 1998 के पोखरण परीक्षण का नाम, ऑपरेशन शक्ति, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना। चलेगा नेक्स्ट, पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों चार खिलाड़ी होते हैं पोलो के खेल में एक पक्ष में, कितने खिलाड़ी, चार। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, चार। नेक्स्ट, सिलारगंज संग्रहालय कहां पर अवस्थित है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो
सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में अवस्थित है, कहाँ? हैदराबाद में अवस्थित है सलारगंज संग्रहालय, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सुकुमार सेन बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं दोस्तों? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को, नाइट्रेट के रूप में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, नाइट्रेट। नेक्स्ट, लिम्का ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो लिम्का ट्रॉफी का संबंध दोस्तों शतरंज से है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शतरंज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। तो याद रखना 1962 में की गई थी आईटीबीपी की स्थापना, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1962। नेक्स्ट है, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? तो इस्पात में होता है दोस्तों, ठीक है ना, ध्वनि का अधिकतम वेग, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस्पात में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त है दोस्तों, ठीक है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नरगिस दत्त। नेक्स्ट, कजरी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों कजरी लोक नृत्य, ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बैकाल झील। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो ब्लू बुक कहलाता है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ब्लू बुक। नेक्स्ट है, प्रथम महिला सर्जन कौन है? तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हैं प्रथम महिला सर्जन, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। नेक्स्ट, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था दोस्तों, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम है राइटर, क्या नाम है? राइटर नाम है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, राइटर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, कौन? मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर था 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, सौपन वासुदत्ता के लेखक कौन है? भास है सौपन वासुदत्ता के लेखक, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भास। नेक्स्ट, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है दोस्तों, गीत सेठी का संबंध है किस खेल से? बिलियर्ड से, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो ये होता है 76 mm, कितना होता है? 76 mm होता है समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहां है? अंडमान द्वीप पर है, पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? अंडमान द्वीप पर, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी है अंतारा, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट,
आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले। डी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर ठक्कर बप्पा। नेक्स्ट, छऊ लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों सभी याद रखना, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है छऊ लोक नृत्य। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो बी एस रामा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर बी एस रामा देवी। नेक्स्ट, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों इस क्लास में सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्लास है ये, जबरदस्त क्लास है। क्लास को कंप्लीट लेना है, बीच में छोड़कर नहीं भागना है। टॉप क्वेश्चंस के साथ क्लास है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ क्लास है। देखिएगा, रानी झांसी ट्रॉफी महिलाओं के लिए किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अंबुबाची मेला लगता है? तो किस राज्य में लगता है? असम राज्य में लगता है हर वर्ष अंबुबाची मेला। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया? 9 मई 2015 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना को। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 9 मई 2015। नेक्स्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहां पर है? तो ये है दोस्तों विशाखापट्टनम में। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहां पर है? विशाखापट्टनम में है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में है दच्चीग्राम अभ्यारण्य। ठीक है, दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है 26 डिग्री सेल्सियस। कितना? 26 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? तो लोहे का अंश होता है इंसुलिन में। किसका अंश होता है? लोहे का। तो डी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर लोहा। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बलूचिस्तान क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। कहां? पाकिस्तान में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर पाकिस्तान। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। दोस्तों कब की गई थी? 1953 में की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर पृथ्वी। नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो ये 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चैत्राभूमि किनका समाधि स्थल है? दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये। तो चैत्राभूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे इसरो के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वर्तमान में कौन है? प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहां स्थापित है? तो दोस्तों स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहां है? न्यूयॉर्क में है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यूर्ट के नाम से जानते हैं खिरगिज प्रजाति के घर को। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं? यूर्ट के नाम से जानते हैं किर्गिज प्रजाति के घर को। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बेंगलुरु में है विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। कहां स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ठीक है जी, हाँ मेरे साथियों बहुत बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन देखिएगा,
बेम्बनाथ झील किस राज्य में है बताएगा? बेम्बनाथ झील किस राज्य में है दोस्तों? ये केरल राज्य में है बेम्बनाथ झील, ठीक है। बेम्बनाथ झील है केरल राज्य में, किस राज्य में? केरल में। नेक्स्ट है, झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना कहा जाता है आयरन पाइराइट को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम दक्षेश खेल किस देश में खेला गया दोस्तों? नेपाल में खेला गया प्रथम दक्षेश खेल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नेपाल। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे सभी, केरल राज्य में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। किस राज्य में हुआ? केरल राज्य में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? संथाल जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में दोस्तों? झारखंड राज्य में पाई जाती संथाल जनजाति। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन, ठीक है ना। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट, देखिए, सबसे दुर्लभ कौन सा होता है इनमें से? सबसे दुर्लभ अमोनिया सबसे दुर्लभ होता है दोस्तों, अमोनिया सबसे दुर्लभ है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? राधा मोहन कप का संबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो राधा मोहन कप का संबंध है पोलो से। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पोलो। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में। किसमें? बेलगांव अधिवेशन में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1924। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई दोस्तों? 1957 में लागू की गई भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1957। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त ने की थी विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट, तो याद रखना, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। तो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ब्लॉक भरनसोथ। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 मई को। 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 24 मई। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस अकादमी। कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस अकादमी। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट है, थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बैंकॉक में है थाईलैंड देश की राजधानी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बैंकॉक। नेक्स्ट है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है दोस्तों ऑरेंज नदी। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में नष्ट होती हैं दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? प्लीहा में नष्ट होती हैं। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्लीहा। नेक्स्ट, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बिहार राज्य में स्थित हैं दोस्तों बराबर की गुफाएं। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिहार। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, चलिए पुस्तक मीन कैंप के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। एडोल्फ हिटलर बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग तीन से है दोस्तों। मौलिक अधिकार का संबंध किससे? भाग तीन से। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भाग तीन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो मैसूर का शेर कहते हैं दोस्तों टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है दोस्तों? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कितनी होती है दोस्तों? याद रखना, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 60। कितनी? 60। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर दोस्तों, याद रखना, जो वायुमंडलीय दाब है घटता है, ठीक है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लीला सेठ। नेक्स्ट, वान झील कहां पर स्थित है? तो वान झील तुर्की में है दोस्तों। कहां स्थित है वान झील? तुर्की में। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तुर्की। नेक्स्ट, मादक पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? मादक पदार्थों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल है दोस्तों मादक पदार्थों में पाया जाने वाला तत्व, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट, बाउल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों बाउल लोक नृत्य। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो गीता फोगाट का संबंध कुश्ती से है। किससे है दोस्तों? कुश्ती से है गीता फोगाट का संबंध। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कुश्ती। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह 1921 में कहां हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ था, केरल राज्य में। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ फसल। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जून जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सुचेता कड़ेथानकर है गोबी रेगिस्तान को, गोबी मरुस्थल को पार करने वाली प्रथम महिला। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सुचेता कड़ेथानकर। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम गोड ने किया था हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, विलियम गोड। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसको माना जाता है? दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 में आजाद हुआ था दोस्तों श्रीलंका। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1948। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी? तो कब दी थी दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता? तो 1974 में दी थी। कब दी? 1974 में, 1974 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1974। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले।
कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कापार्ट का जो मुख्यालय है कहाँ है? दिल्ली में है कापार्ट का मुख्यालय। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त देखिएगा, बोध शिक्षा का वर्णन किसमें मिलता है? तो बोध शिक्षा का वर्णन मिलता है दोस्तों किसमें? त्रिपिटक में मिलता है बोध शिक्षा का वर्णन। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? वैशाली में बनाई थी दोस्तों शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वैशाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है एल लम्सडेन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लम्सडेन है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी है? तो गेहूं है दोस्तों, हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गेहूं। नेक्स्ट है, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन में। कहाँ थी? उज्जैन में थी उत्तरी अवंती की राजधानी। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उज्जैन। नेक्स्ट है, देखिए, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का ये कथन है। नेक्स्ट है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। कौन सा है दोस्तों? एर्नाकुलम है कोचीन का जुड़वा नगर। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एर्नाकुलम। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल सिलेक्शन लेना है? तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के साथ दोस्तों एक क्लास से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है इस क्लास से। देखिए, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? कबड्डी से है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कबड्डी। नेक्स्ट है, बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है दोस्तों? सैमसन है बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सैमसन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया गया? तो 25 जून 2015 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट है, पैगंबर साहब का उपदेश किस में है? पैगंबर साहब का उपदेश किस में है? हदीस में है दोस्तों, पैगंबर साहब का उपदेश। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हदीस। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना को कब शुरू किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 में शुरू किया गया दोस्तों भारत सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना को। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है? जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र पुस्तक हदीस अरबी भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। नेक्स्ट है, जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या होता है? निर्वाण होता है दोस्तों जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, निर्वाण। नेक्स्ट है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? जी हाँ दोस्तों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला निर्जा भनोत है। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, निर्जा भनोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था? स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से सुशोभित करवाया था महाराज रंजीत सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों? महाराज रंजीत सिंह ने करवाया था। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, महाराज रंजीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार किसको है? तो
सर्वोच्च न्यायालय को है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, पोरो का मोती किसे कहा जाता है दोस्तों? तो श्रीलंका को कहते हैं पोरो का मोती, श्रीलंका को। नेक्स्ट, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। कौन था? चार्ल्स कोरिया। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो कवि प्रदीप है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 10 दिसंबर। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है दोस्तों। ठीक है ना, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था दोस्तों ब्राह्मी लिपि को, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिएगा देखिए नेक्स्ट, ताड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ताड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों ताड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट, 1526 के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 1526 के पूर्व बाबर ने 4 बार दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया? 4 बार आक्रमण किया, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 4 बार। नेक्स्ट, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है दोस्तों? तो विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है दोस्तों? विवर्तन कहलाता है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विवर्तन। देखिए नेक्स्ट है, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है एंडोस्कोपी, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1904 में हुआ था फीफा का गठन। फीफा का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1904 में हुआ था, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1904। नेक्स्ट है, पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो पौधों के पुष्पन के लिए फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? फास्फोरस की। देखिए नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल की किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, चलेगा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे दोस्तों याद रखना सभी, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है सौभ मंडल में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सौभ मंडल। नेक्स्ट है, रासलीला लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रासलीला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है रासलीला लोक नृत्य। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, त्रिनेत्र मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों
तरणेतर मेला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी, तो ये की थी लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की थी लॉर्ड मैकाले ने, तो डी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो बजरंग पूनिया का संबंध है कुश्ती से। किससे है, कुश्ती से है बजरंग पूनिया का संबंध, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कुश्ती। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो अरुणा आसफ अली है दोस्तों। ठीक है, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कप का उपविजेता देश कौन था दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया था प्रथम विश्व कप का उपविजेता देश, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन वाटर गैस है, इनमें से कौन एक वाटर गैस है, तो इनमें से दोस्तों कौन एक वाटर गैस है, तो याद रखना इनमें से वाटर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, वाटर गैस है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ, इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ, सातवीं शताब्दी में हुआ दोस्तों इस्लाम का प्रादुर्भाव, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सातवीं शताब्दी में, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया, तो ये किया दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, रिचर्ड निक्सन है, रिचर्ड निक्सन है द लीडर्स पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर रिचर्ड निक्सन, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है, तो भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है दोस्तों, तो श्रेखा शंकर यादव भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर हैं, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर श्रेखा शंकर यादव, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है दोस्तों, तो बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है स्वीडन। कौन सा है दोस्तों, स्वीडन है बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वीडन। देखिए नेक्स्ट है, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में है, कहां है, काठमांडू में है त्रिभुवन हवाई अड्डा, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर काठमांडू। चलेगा नेक्स्ट है, जबरदस्त है, सात प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाले प्रथम महिला कौन है, सात प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाले प्रथम महिला है बोला चौधरी, बोला चौधरी, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर बोला चौधरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों, तो राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश है जापान। कौन सा है दोस्तों, जापान है राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश,
तो बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, जापान ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है। कौन सा है दोस्तों? चीन है। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स थे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जॉन एडम्स। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया? जी हाँ दोस्तों, याद रखना, किसमें? मोस्क्योर गुजरा में किया। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो याद रखिए दोस्तों, कौन सा संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में, 1914 में हुआ था दोस्तों पनामा नहर का निर्माण। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1914। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? तो 1911 में आए थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1911, 1911। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, 28 दिसंबर 1885 में। किसके द्वारा? एव ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दरमियान हुआ था जॉर्ज पंचम का आगमन। सी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है, कवास गैस विद्युत योजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है दोस्तों, कवास गैस विद्युत योजना। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। कौन सी है दोस्तों सबसे कठोर धातु? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सूर्य के अत्यंत निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के अत्यंत निकट स्थित ग्रह दोस्तों बुध है। कौन सा? बुध है। सूर्य के अत्यंत निकट स्थित ग्रह, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बुध। नेक्स्ट है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आता है चित्रकूट बांध दोस्तों, इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट बांध, ठीक है, माफी चाहता हूं, इंद्रावती नदी पर है दोस्तों, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट बांध, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोरमुगांव बंदरगाह दोस्तों गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है मोरमुगांव बंदरगाह, ठीक है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गोवा में है मोरमुगांव बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? तो दोस्तों चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव होता है, चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव होता है ज्वार भाटा पर सबसे अधिक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, औरंगजेब। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
केसी नियोगी को बनाया गया था दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केसी नियोगी। नेक्स्ट है, कर मत दो यह कथन किनका था, तो सरदार पटेल का दोस्तों यह कथन था, कर मत दो। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है नौटंकी लोक नृत्य। नेक्स्ट है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर अवस्थित है। क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक कर देंगे, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है दोस्तों, कहां है, देहरादून में है इंडियन मिलिट्री अकादमी। नेक्स्ट, किनके समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को दोस्तों वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीन नाम क्या था, तो चावल का प्राचीन नाम था व्रीही, ठीक है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था दोस्तों, तो याद रखेंगे बाजीराव प्रथम था, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है, कौन है दोस्तों, विजया लक्ष्मी पंडित है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया 11 अक्टूबर 2014 में, कब शुरू किया गया, 11 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया, तो ये दोस्तों 12 जनवरी 2015 में शुरू किया गया, भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 12 जनवरी 2015। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार दोस्तों लिया गया है किस देश के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, तो दोस्तों 4.54 लीटर के बराबर होता है एक गैलन, ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो किस कारण से होता है, कुरकुमिन के कारण होता है हल्दी में पीला रंग, डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट, विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है, तो मुक्केबाजी से है विजेंद्र सिंह का संबंध, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मुक्केबाजी। नेक्स्ट, कावेरी नदी किस ओर बहती है, कावेरी नदी बहती है दोस्तों पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, पूर्व की ओर बहती है कावेरी नदी। नेक्स्ट है, कोटिल्य का असली नाम क्या था, कोटिल्य का असली नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त नाम था दोस्तों कोटिल्य का, क्या नाम था, विष्णुगुप्त, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, माधवपुर मेला निम्नलिखित से किस राज्य में लगता है, तो गुजरात राज्य में लगता है दोस्तों माधवपुर मेला, किस राज्य में, गुजरात में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया 25 जुलाई 2015 में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 25 जुलाई 2015 बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी थे, बहावी आंदोलन के प्रणेता, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट,
सफेद फास्फोरस को कहाँ पर संरक्षित करके रखा जाता है दोस्तों? तो पानी के अंदर रखा जाता है सफेद फास्फोरस को। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पानी के अंदर। नेक्स्ट है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो ये लिखा दोस्तों किसने, मेघनाथ देसाई ने लिखा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट है, राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, राज्य का निम्न सदन कहा जाता है विधानसभा को। किसको कहा जाता है? विधानसभा को कहा जाता है दोस्तों, राज्य का निम्न सदन। नेक्स्ट, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जापान। नेक्स्ट है, किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? तो संसद का अभिन्न अंग कहते हैं दोस्तों किसको? राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, माल्टा कहां पर अवस्थित है? तो माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। कहां दोस्तों? भूमध्य सागर में अवस्थित है माल्टा, याद रखना। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 26 जनवरी 1957। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों कच्छ में। ठीक है ना, राष्ट्रीय समुद्री पार्क कच्छ में अवस्थित है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कच्छ। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सफेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली देश का राष्ट्रीय प्रतीक है सफेद लिली। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, इटली। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पतंजलि। नेक्स्ट, शांति निकेतन कहां पर स्थित है? शांति निकेतन कहां है? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों शांति निकेतन। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, शेषनाग झील किस राज्य में है? जिस झील के नाम के पीछे नाग लगा हुआ है ना, वह का नाग, नागा, नागिन, जम्मू कश्मीर में है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? सोयाबीन है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत इनमें से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोयाबीन। नेक्स्ट है, बहुधा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो बहुधा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है बहुधा लोक नृत्य? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शरावती नदी। नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध है बोट रेस से। किससे दोस्तों? बोट रेस से है नेहरू ट्रॉफी का संबंध। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल कालीन भारत में राज्यों के आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, भू राजस्व। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लामी है दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दारुल इस्लामी। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों याद रखना, राल्फ पिच था अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राल्फ पिच। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? फू दोर्जी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, फू दोर्जी। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में, 1920 में की गई थी दोस्तों
इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु कौन है? तो सोना है दोस्तों, सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोना। नेक्स्ट है, टायर की खोज किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टायर की खोज किसने की थी दोस्तों? जॉन डनलप ने की थी। टायर की खोज किसने की थी? जॉन डनलप ने। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जॉन डनलप। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गई हैं। क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक करें, शेयर नहीं क्या शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से सभी गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है, पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।